Class Earth A and B. Good morning to you and welcome to online class. Today I am going to teach you future perfect continuous tense. Identities की होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय सीमा भी दी रहती है. रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस विल है बीन, आदमी शैल है बीन प्लस मेंबर का आदमी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर आदमी फॉर्म आदमी टिल प्लस टाइम. तुम सुबह से शाम तक मैच खेलते रहे होगे. इस सेंटेंस में कार्य की निरंतरता का पता चलता है और भविष्य में इस कार्य की निरंतरता का पता चलता है. इसमें यू विल हैव बीन प्लेइंग द मैच फ्रॉम टुमारो टिल इवनिंग. वंस अगेन, यू विल हैव बीन प्लेइंग द मैच फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसमें वर्ड ऑर्डर नॉट को विल सेल और हैव बीन के बीच में सेट किया जाता है और बाकी वर्ड ऑर्डर वही रहता है. सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेंबर का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर आबली फ्रॉम टिल. फ्रॉम और टिल को पेयर के रूप में यूज करते हैं जब सेंटेंस में से तक लिखा होता है. वैसे फॉर का प्रयोग किया जाता है और प्लस टाइम. एग्जाम्पल देखते हैं. हम कल इस समय 2 घंटे तक नहीं खेलते रहेंगे. इसमें देखिए, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम टुमारो. नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आया है और इस समय लिखा हुआ है तो एट दिस टाइम लगाया गया है यहाँ पर. और 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक की अंग्रेजी लिखा गया फॉर 2 आवर्स. इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस वे होते हैं जिनमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, तो उनकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब विल आब्लिक सेल से स्टार्ट करते हैं. इसमें किस तरह से विल आब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेंबर का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर आब्लिक फ्रॉम डॉट टिल पेयर के रूप में आता है प्लस टाइम. और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क आवश्यक होता है. एग्जाम्पल इसका देखिए, क्या तुम 1 सप्ताह तक उसकी सहायता करते रहोगे. तो इसकी स्टार्टिंग हुई वेल यू हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर अ वीक. इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जिनमें क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों कब कैसे आप वाक्य के बीच में आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड की स्टार्ट करते हैं और उसके बाद विल ऑब्लिक शैल लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेंबर का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम डॉट टिल. फ्रॉम और टिल पेयर के रूप में आता है. जिस सेंटेंस में से तक लिखा होता है वहाँ पर बाकी फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए. एग्जाम्पल, यह बूढ़ा व्यक्ति 1 सप्ताह तक यात्रा क्यों नहीं करता रहेगा. अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई और उसके बाद वही शब्दों का क्रम. वाई विल दिस ओल्ड मैन नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर अ वीक. तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ. इसको, इस सेंटेंस को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं.
जिसमें कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे हम कल इस समय 2 घंटे तक नहीं खेलते रहेंगे, तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, वी शैल नॉट कंटिन्यू टू प्ले फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम टुमारो। दिस इज द मॉडर्न स्टाइल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। कीप ऑन का प्रयोग करके उसे सिंपल फ्यूचर में बनाया जाता है। वंस अगेन देखें इस एग्जाम्पल को, कैसे कीप ऑन बनाएंगे। हम कल इस समय 2 घंटे तक नहीं खेलते रहेंगे, तो वी शैल नॉट जो हैव बीन लिखा हुआ इसकी जगह पर कीप ऑन, वी शैल नॉट कीप ऑन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम टुमारो। इस तरह से आप लोग रूल्स याद करेंगे और इसका होमवर्क करेंगे, जिससे कि मैं फोटो के माध्यम से आपको होमवर्क और इसकी एक दूसरी फोटो भेजेंगे, जिससे आप होमवर्क भी करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।